बोलेंगे मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। अरे भाई दम से इतनी बड़ी संख्या कहां दिखती है नूरपुर में और फतेहपुर में। हजारों हजार भाई बहन आए हैं, बड़ी जोरदार उत्साह में है। एक बार बोलिए फिर एक बार वो इंदौरा वाले सब लोग बोलिए फिर एक बार फिर एक बार। धन्यवाद। आज हमारा परम सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे स्थान से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और ये जो 2024 का मोदी जी का चुनाव चल रहा है इसको और पूरी तरह कृष्ण की तरह से रथ को हांकते हुए चल रहे हैं, ऐसे श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे मध्य पधारे हैं। हम उनका कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार एक मिनट के लिए तालियां बजती रहे माननीय नड्डा जी के लिए, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, पूरी गर्मी ठंड में बदल जाएगी। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, जो तालियां बजती रहे। धन्यवाद धन्यवाद। नड्डा जी को जय श्री राम। बैठिए मेरे पीछे लगाइए बैठ। भारत माता की आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी हमारे माननीय प्रभारी, आदरणीय डॉक्टर महेश जी जो कि विशेष रूप से चुनाव में हमारी देखरेख कर रहे हैं, हमारे प्रिय उम्मीदवार जो 1 तारीख को आपके वोट और सपोर्ट से 4 तारीख को कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद बनने वाले हैं, ऐसे डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, हमारे छोटे भाई श्री राकेश पठानिया जी, श्री रणवीर निक्का जी, श्रीमती रीटा धीमान जी, भाई संजय गुलेरिया जी, श्री त्रिलोक कपूर जी, संजय शर्मा जी, रमेश राणा जी, इस सारी रैली का संचालन कर रहे हमारे महामंत्री आदरणीय श्री त्रिलोक कपूर जी, भाई पवन खजूरिया जी, मंच पर विराजमान बहुत सारे मेरे नेतागण और मंच के सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, आप सबको एक बार सादर प्रणाम। साथियों, आप सब ने तय किया है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तय किया है, किया है, बनाना है, तो मुझे आपसे एक संकल्प चाहिए। इतना कह के मैं बैठूंगा, माननीय नड्डा जी को हम सुनेंगे। आपने मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है तो किसी प्रकार के अति उत्साह में मत रहना। साथियों, आज यहाँ पर रैली हो रही है, माननीय नड्डा जी का संदेश हमको मिलेगा। प्रदेश का अध्यक्ष हूं इसलिए आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, आज के बाद हम अपने अपने पोलिंग बूथ पर घर घर में जाएंगे, मोदी जी का स्टिकर लगाएंगे, राजीव भारद्वाज जी को याद कराएंगे और हमारा प्रदेश और हमारा देश मोदी जी के कारण आगे बढ़ रहा है ये हम घर घर में पहुंचाएंगे। ये हमको आपसे वायदा चाहिए। जब आप घरों में जाएंगे तो उनको याद कराइए, पठानकोट से शिमला के लिए, पठानकोट से मंडी के लिए 4 लेन हाईवे बन रहा है वो मोदी जी बना रहे हैं, कांगड़ा से शिमला को 4 लेन हाईवे बन रहा है वो मोदी जी बना रहे हैं, नूरपुर से मनाली को 4 लेन हाईवे बन रहा है वो मोदी जी बना रहे हैं, वो शिमला का हाईवे हो, वो हिमाचल प्रदेश के सारी सड़कों टनलों पुलों का निर्माण हो, रेलवे का निर्माण हो और अनेक अनेक चीजें, ये हिमाचल यदि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है
तो आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के कारण बढ़ रहा है। हमको ये संदेश घर घर में पहुंचाना है। साथियों साथियों, ये जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, ये भी बहुत निकम्मी सरकार है। 18 महीने के अंदर इसने सरकार ने दुखी दुख दिए हैं, इसका भी हिसाब किताब करना है। इसलिए 1 तारीख को कमल का बटन टका टक दबना चाहिए और उसमें से डॉक्टर भारद्वाज जी निकलेंगे और फिर 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार करेंगे करेंगे। तो मेरे पीछे नारा लगाएं और बैठे बैठे लगाना भाई, फिर एक बार भाई दम से बोलो यार, अभी आ जाएगी ठंड आएगी आपको, फिर एक बार फिर एक बार, ये पारली तरफ जो कपड़ा ढका हुआ है, फिर एक बार फिर एक बार, अब की बार डॉक्टर भारद्वाज, अब की बार डॉक्टर भारद्वाज, डॉक्टर भारद्वाज। मेरा और इसका नाम एक ही है, मैं भी डॉक्टर हूं, है इसलिए जरा डॉक्टर भारद्वाज अब की बार। और एक बार नड्डा जी के नाम का जयकारा लगाइए, जेपी नड्डा, श्री जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा। धन्यवाद। बोला भारत माता की। हम सब तैयार हैं, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त। मैं बहुत ही विनम्र के साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे सामान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको हम रोज टेलीविजन में, कभी असम में, कभी तेलंगाना में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी छत्तीसगढ़ में, कभी राजस्थान में, आज हिमाचल प्रदेश की देवभूमि जिला कांगड़ा में आप आए हैं। आप मंच पर आए और यहाँ पर आए हुए हजारों हमारे नौजवान और बहनों और भाइयों को अपना आशीर्वाद दे श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष मेरे वरिष्ठ साथी डॉक्टर राजीव बिंदल जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित कांगड़ा लोकसभा के हमारे जुझारू और संवेदनशील और लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, संसद में मेरे साथी श्री महेश शर्मा जी, अविनाश राय खन्ना जी, हमारे बहुत ही प्रिय साथी जिनके साथ मुझे हिमाचल में काम करने का मौका मिला, श्री राकेश पठानिया जी, हमारे वरिष्ठ साथी श्री रणवीर सिंह निक्का जी, हमारे रीता धीमान जी, पूर्व विधायक संजय गुलेरिया जी, त्रिलोक कपूर जी, संजय शर्मा जी, रमेश राणा जी, हमारे पवन काजल जी कांगड़ा के विधायक, हमारे नाग जी लोकसभा के संयोजक, पवन खजूरिया जी, अजय नंदा जी, अश्विनी जी, संजय जी, धारूराम जी, राजेश काका जी, कुलदीप डोगरा जी,
और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इतनी गर्मी में एकत्र आए देवी और सज्जनों, हमारे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा आज ये सौभाग्य है कि मुझे आज हिमाचल देवी देवताओं की भूमि और उसमें कांगड़ा और कांगड़ा में भी क्रांतिकारी भूमि नूरपुर में आने का सौभाग्य मिला है। यहाँ जो मैं वातावरण देख रहा हूँ, क्योंकि ये चुनावी सभा है और मैं राजीव भारद्वाज जी के पक्ष में आप सब से निवेदन करने के लिए आया हूँ, लेकिन जो मैं उत्साह देख रहा हूँ, जो मैं ऊर्जा देख रहा हूँ, जो मैं उमंग देख रहा हूँ और जो मैं नारों की आवाज़ सुन रहा हूँ और जो तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहा हूँ, वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि कांगड़ा की पवित्र धरती ने राजीव भारद्वाज को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। मित्रों, यह सिर्फ राजीव भारद्वाज को संसद में भेजने का ही लक्ष्य नहीं है। राजीव भारद्वाज जी के माध्यम से कांगड़ा की जनता, हिमाचल की जनता एक बड़ा संकल्प लेकर के चलना चाहती है और वो बड़ा संकल्प है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प है जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना और उनके नेतृत्व में देश को विकसित भारत की ओर ले जाना, इस संकल्प को पूरा करने का काम हम 1 जून को करने वाले हैं। मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी सम्माननीय मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। लंबे समय से राजनीति में रहने का सौभाग्य मिला है। हमने मोदी जी के 10 साल के नेतृत्व में भारत की राजनीति को बदलते हुए देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति, भारत की राजनीति की परिभाषा, भारत के राजनीति का चाल चरित्र, रंग ढंग, ये सब कुछ बदल डाला है और भारत को महान भारत की ओर ले जाने का रास्ता प्रशस्त किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, नौजवानों से मेरा निवेदन है, जरा जोश संभाल के रखो, मेरी बात सुन लो, बैठ जाओ। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले राजनीति क्या थी। एक साधारण मनुष्य, एक साधारण नागरिक, साधारण मानवी ये मान बैठा था कि भारत में कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही चलेगा, राजनेता ऐसे ही होते हैं, हमको तो इनको सहना पड़ेगा। क्या 10 साल पहले ऐसी उदासीन मानसिकता साधारण आदमी की थी कि नहीं थी? बोलो, थी कि नहीं थी? आज वही भारत मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ चल पड़ा है कि भारत बदल रहा है और हम विकसित भारत की ओर ले जाकर के इसको रखेंगे। चाल चरित्र, पहले राजनीति क्या होती थी? जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, इलाके की राजनीति, ये पहाड़ का है, ये मैदान का है,
ये इस पार का है, ये उस पार का है, ये नदी के इस पार का है, ये नदी के उस पार का है। हमने 70 साल भाई को भाई से लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाई, इलाके को इलाके से लड़ाया। फूट करो और राज करो, यही उद्देश्य लेकर के राजनीति होती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति एक ही मंत्र पर चल पड़ी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। और इस मंत्र के साथ विकासवाद की राजनीति शुरू हो गई, विकासवाद की राजनीति, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। आज कोई भी नेता आता है तो उसको अपना रिपोर्ट कार्ड रखना पड़ता है, आज कोई भी नेता आता है तो उसको जवाबदेही लेनी पड़ती है। एक जिम्मेवार सरकार, एक जिम्मेवार राजनीति। यह राजनीति का अंतर इसलिए आया क्योंकि मोदी जी ने भारत की राजनीति की परिभाषा, संस्कृति, रंग ढंग बदल डाली है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, आप और हम बड़े खुशनसीब हैं क्योंकि हमने तो लंबे समय से राजनीति देखी है। आज अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ा रही है, आज यूरोप की अर्थनीति डगमगा रही है, आज रशिया की अर्थनीति यूक्रेन वॉर के बाद लड़खड़ाती दिखती है, चीन पीछे जा रहा है, जापान डगमगा रहा है। लेकिन भारत, मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से छलांग लगा करके 5वें नंबर पर आ जा करके खड़ी है, 5वें नंबर। और मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में अगर कहीं चमकता हुआ सितारा है, दुनिया में अगर कोई आशा की किरण है तो वो भारत है, भारत है, भारत है। और मित्रों, आपने सही फैसला लिया है, राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री वो बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत अर्थव्यवस्था में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरी अर्थव्यवस्था, बोलो, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है कि नहीं बनाना है? भारत को आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है? अगर ले जाना है तो राजीव भारद्वाज को दिल्ली भेजना है, इसकी चिंता करो। मित्रों, आपके आशीर्वाद से मुझे प्रदेश का भी स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला और मुझे देश के भी स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने देश में ट्यूबरक्लोसिस की, टीबी की दवा को आने में 28 साल लग गए, 28 साल। अपने देश में टेटनेस की दवा को आने में 25 से 30 साल लग गए। अपने देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 25 साल लग गए और अपने देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए, 100 साल। लेकिन यह बदलता भारत मोदी जी के नेतृत्व में, 2020 की जनवरी को पहला कोरोना का केस आया, 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं दो दो वैक्सीन भारत ने बना करके दी। ये भी हमने बदलता भारत देखा, ये बदलता भारत हमने देखा। और हमारे कांग्रेसी भाई क्या बोलते थे याद करो, ये मोदी टीका है, मोदी टीका मत लगाना, ये ठीक नहीं है। मुझे संसद में मिल गए, मैंने कहा टीका लगाया? बोला हाँ लगाया। मैंने कहा ट्वीट नहीं किया, चुपके चुपके मोदी टीका लगाते हो, कैसा लगा मोदी टीका? आज 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगा करके मोदी जी ने 140 करोड़ के देश को बचा लिया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि भारत ने 100 देशों को वैक्सीन भेजी, 100 देशों को,
और 48 देशों को वैक्सीन मुफ्त में भेजी। यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, महेश शर्मा जी, पूछिए। मुफ्त में भेजी 48 देशों को, यानी भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में मांगने वाला भारत नहीं है, अब देने वाला भारत है। यह परिवर्तन आ गया। आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया में दवाई बेचने में भारत नंबर 2 पर खड़ा है। दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। पेट्रोकेमिकल्स पे हम आगे निकल गए। आज से 10 साल पहले दिवाली में जो आप गणेश भगवान खरीदते थे ना, ये गणपति बाप्पा भी चाइना से बन के आता था। आज भारत टॉय इंडस्ट्री में दुनिया में तीसरे नंबर का एक्सपोर्टर बन गया, तीसरे नंबर का एक्सपोर्टर। आपके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में। आपके मोबाइल पर 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया। आज आपके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया। यह बदलता भारत है, यह बदलता भारत है। और इसलिए मैं हमेशा यह कहूंगा कि दुनिया के मानचित्र पर आज भारत जिस तरीके से स्थापित हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में और विकसित भारत के संकल्प को लेकर चला है, यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम उसको आगे बढ़ाएं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहूंगा, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी है। यह भी आपको ध्यान रखना। अब यह उज्ज्वला गैस की बात हमारे सब लोग करते हैं। उज्ज्वला गैस सिर्फ गैस का सिलेंडर नहीं है। मैं 1993 में एमएलए बन गया था, 1993 में। मुझे याद है मेरे गांव में उस समय बहनें 5 बजे उठा करती थी, 5 बजे जंगलों में जाया करती थी, लकड़ी काट के लाती थी, फिर चूल्हा जलाती थी। लकड़ी गीली होती थी, धुआं लगता था, फेफड़ों में धुआं जाता था, बहनों को फेफड़ों की बीमारी होती थी। मोदी जी ने महिलाओं के जीवन को सरलीकरण करके सशक्तिकरण किया। आज 10 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर दे करके उनको एक ताकत देने का काम किया। छोटी घटना नहीं है। आप और हम हिमाचल में रहते हैं, हमारी बहनें सुबह सुबह उनको खुले में अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए जाना पड़ता था, खुले में। क्या जीवन था। और संख्या मालूम है कितनी थी, 12 करोड़। यानी 12 करोड़ बहनों को इज्जत से जीने का अधिकार नहीं था, किसी ने चिंता नहीं की। मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा हम स्वच्छता अभियान में इज्जत घर देंगे। इन कांग्रेसियों ने खिल्ली उड़ाई, इन कांग्रेसियों ने मजाक किया। प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छता की बात करता है, इज्जत घर की बात करता है, लाल किले के प्राचीर कोई जगह है? उनको समझ में नहीं आया था कि भारत क्या है। मोदी जी ने 12 करोड़ इज्जत घर बनाकर 12 करोड़ बहनों को इज्जत से जीने का अधिकार दिया। और 12 करोड़ इज्जत ही नहीं दी, 12 करोड़ बच्चों को भी जीने का अधिकार दिया। यह भी हमको ध्यान रखना। और यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशंस ने मोदी जी को इसके लिए पुरस्कृत किया कि किस तरीके से स्वच्छता का अभियान मोदी जी ने देश में चलाया है, इसको हमको समझ में आता है। ये राकेश पठानिया बैठे हैं, 98 में हम दोनों एमएलए एक साथ थे। ये राजीव बैंदल बैठे हैं, ये भी 98 में थे, मैं 93 में एमएलए बन गया था। मेरे घर में वीडियो आया करता था, इनके घर में भी आता होगा। क्या कहता था वीडियो? कहता था नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि जमीन से घटी हुई घटना है। मैं बोलता था सुनाओ भैया क्या खुशखबरी है। बोला इस बार आपको इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, बताइए किसको दें। मैं कहता था तू ही रख ले भैया, 1 अनार 100 बीमार किसको दूंगा ये इंदिरा आवास योजना। आज मोदी जी के राज में 4 करोड़ घर बन गए, 4 करोड़ घर बन गए।
बताइए एक एक पंचायत में 40-40, 50-50 मकान बने हैं कि नहीं बने हैं? बने हैं कि नहीं बने? और ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, गैस का सिलेंडर, टॉयलेट, इन सब के साथ आपको घर दिया गया है। और फिर से राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी का संकल्प है अगले 5 साल में 3 करोड़ घर और बनेंगे, कोई पक्की छत के बगैर नहीं रहेगा, यह बदलता भारत होगा। अब एक आध और याद दिला दूं आपको, बहनें खासकर सुन लें, आपका आने वाले समय में बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। प्रधानमंत्री हर घर सूर्य मुफ्त सूर्य योजना, हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगेगी सरकार की तरफ, हर घर के ऊपर आपको बिजली अब सूर्य और ऊर्जा से मिलेगी। जो बिजली आप खर्च कर लोगे वो आपका, जो आप खर्च नहीं कर पाओगे वो बिजली सरकार खरीद लेगी और आमदनी का जरिया बनेगा, ये भी आप याद रखिए। मैं बहनों को ये भी बताना चाहता हूं कि आपके यहां अभी सिलेंडर आता है, आने वाले वर्षों में अब आपके यहां सस्ती गैस पाइप से पहुंचेगी और पाइप से गैस को पहुंचाया जाएगा। ये बदलता भारत है, ये बदलती तस्वीर है। मुझे मैंने कहा, जैसे मुझे स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला है, ये सब बैठे हैं एमएलए सामने, यहां निक्का जी भी हैं, सब लोग हैं, पूछो इनसे, पवन काजल जी हैं, पूछो इनसे, ये सब चिट्ठियां लिखा करते थे जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मंत्री जी मेरे इलाके में एक गरीब आदमी है, उसको कैंसर हो गया है, उसका बाईपास होना है, उसको वेल्व लगना है, उसके किडनी का ऑपरेशन होना है, 5 लाख खर्च होगा, 2 लाख खर्च होगा, 3 लाख खर्च होगा, कृपया देने की अनुशंसा करिए। और कोई 2 मांगता था तो मैं 1 दे पाता था, कोई 1.5 मांगता था तो 75 दे पाता था, बाकी सब जनता भरोसे होता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कुछ बड़ा सोचो, और उन्होंने इस तरीके से सोचा कि आज भारत में 10.74 करोड़ परिवार, मीडिया नोट कर ले, 50 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी, और गरीब आदमी जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर, रेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, पल्लेदार, बस का ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्ट मैन, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, सैलून में बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठे करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज की व्यवस्था की। और एक बात और सुन लीजिए, हमारी माताएं बहनें, राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी का संकल्प है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, कोई भी बहन, कोई भी माता जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, किसी भी जाति की, किसी भी मजहब की, किसी भी धर्म की, किसी भी इलाके की और किसी भी आमदनी की, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी की तरफ से गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा। यह बदलता भारत है, यह बदलती तस्वीर है। आज 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जा रहा है, फर्क क्या पड़ा? फर्क यह पड़ा कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और हमारा नीति आयोग बताता है कि भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। यह बदलता भारत है, यह बदलती तस्वीर है। आप बताइए, कभी आपने सोचा था कि हाईवे आपके यहां आएगा? कभी सोचा था? आजकल हाईवे का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जोरों से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तेजी से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शिमला, धर्मशाला, पठानकोट, पालमपुर, वाया पालमपुर, कुल्लू, मनाली, एक नहीं अनेकों प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं, कोई होशियारपुर से, कोई जालंधर से, हर एक हाईवे बन रहा है।
क्यों? ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो आपका विकास होगा, गांव का विकास होगा। और आपको मालूम है जयराम ठाकुर जी की सरकार में मोदी जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 12,000 किलोमीटर की सड़क बनी है हिमाचल में, 12,000 किलोमीटर की सड़क। ये बदलता हिमाचल है। मुझे याद है पहले के दिनों में एक बारात में चले जाओ ना शादी में, आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, हम लोगों का बिस्तरू जाता था, बिस्तरा बेडिंग होल्ड ऑल जाता था कि नहीं जाता था, याद है? और जे एक बारात से गए तो छुट्टी, दो दिन गए पता नहीं बस कदी आउनी या नहीं आउनी, किया जाना किया आना, होता था कि नहीं होता था, देखा है कि नहीं देखा है? आजकल आप एक एक दिन में चार चार बारातें अटेंड करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? जरा जोर से तो बोलो यार, करते हो कि नहीं करते हो? कोई स्कूटर को किक मारता है, कोई गाड़ी को सेल्फ मारता है, एक जगह से दूसरे जगह। अच्छा जी, अच्छा, मैं चलिया जी। कैसे चले? ये ग्रामीण सड़क योजना बनी है तब जाकर के आज ये विकास गांव गांव का हुआ है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। ये बदलता भारत है, ये बदलता गांव की तस्वीर है। महिलाओं के दृष्टि से बोलना चाहूंगा, 27 साल से राजनीतिक कारणों से आपको आरक्षण नहीं मिल रहा था, मोदी जी ने जो 30 साल में काम नहीं हुआ वो 3 दिन में करके दिया, महिला शक्ति वंदन विधेयक। महिलाओं को अब 2029 में और 2028 में आप लोकसभा में भी होंगे और हिमाचल की विधानसभा में भी 33% होंगे, ये महिलाओं का। बोलो बदला कि नहीं बदला भारत? बदलता है कि नहीं बदलता है? इंटरनेट गांव में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? वाईफाई पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? 1.5 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है, ऑप्टिकल फाइबर। 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर पहुंच गया। अब कांग्रेसियों से पूछो, जो कांग्रेसी कहते थे भारत तो अनपढ़ है, यहां डिजिटल क्या करेगा, यहां गांव में डिजिटल क्या करेगा? अरे उनको मालूम नहीं था मोदी जी की कल्पना और भारत के लोगों की शक्ति। आज तो सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। आज तो हाट में चले जाओ तो वहां भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। यह बदलता भारत इस तरीके से है। इसलिए हाईवे, इंटरनेट, रेलवे, एयरपोर्ट्स, हर तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया। और यहां हिमाचल में आपने कभी सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपको मिलेगा? आज 400 करोड़ रुपए के लागत से लगभग बनकर के तैयार हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कभी अहमदाबाद में होता था, कभी हम बड़े शहरों में बंगलोर में सोचते थे, आज आपके सिरमौर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बन गया है। कभी आपने सोचा था? भैया जरा रोक दे एक मिनट। कभी आपने सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, बहुत मुश्किल से ये काम हुए हैं, आपने कभी सोचा था? सारे दौड़ते थे पीजीआई चंडीगढ़। आज हिमाचल में आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोदी जी के आशीर्वाद से 5 साल के अंदर बन करके तैयार हुआ। और इतना ही नहीं, सैटेलाइट सेंटर पीजीआई का, अब पीजीआई जाने की जरूरत नहीं है, ऊना में सैटेलाइट सेंटर खुल रहा है, उसकी व्यवस्था की गई है। आप बताइए निफ्ट के साथ साथ हमारे अन्य ये ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, 2000 करोड़ रुपए का, 300 करोड़ रुपए का, ये विकास के नए आयाम बने कि नहीं बने? और मैं यहाँ एक बात और भी आपको बता देना चाहता हूँ, बल्क ड्रग पार्क, उसी तरीके से मेडिकल डिवाइस पार्क, ये सारी चीज़ों को बना करके दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने, मैं फतेहपुर आया था राकेश पठानिया जी के लिए उस समय वोट मांगने के लिए, पता नहीं आप लोगों ने उस समय क्या सोचा था, ये आप जानो, ये जो आपकी अदला बदली है ना, ये आपकी अदला बदली करता रहता है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, पिछले साल बाढ़ आई, बाढ़ में मैं 3 बार आया,
मैंने एक एक इलाका घूमा और मोदी जी ने हर बार जब मैं आया तो गृह मंत्री जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हमेशा 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए दिया और बाढ़ राहतों के लिए लगभग 1732 करोड़ रुपए दिए गए 1732 करोड़ रुपए। मीडिया वाले नोट कर लें। और ये सब करने के बावजूद भी 1782 करोड़ रुपए, क्षमा करिएगा, 1782 करोड़ रुपए दिए गए। और इसके साथ साथ ग्रामीण सड़क बनाने के लिए 2700 किलोमीटर के पैसे दिए गए कि 2700 किलोमीटर की सड़क बने। और इसके साथ साथ 11000 घरों को बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये इस यहां के प्रदेश की सरकार ने 2700 किलोमीटर की सड़क बनाई क्या? बनाई क्या? 11000 मकान बनाए क्या? बनाए क्या? अंधा बाटे रेवड़ी मुड़मुड़ अपने को दे, कांग्रेसी बाटे रेवड़ी मुड़मुड़ अपने को दे, अपने अपने में व्यस्त हो गए। बोलिए, ऐसी सरकार रहनी चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो भैया, ऐसी सरकार रहनी चाहिए क्या? मित्रों, ये हिसाब किताब। अच्छा, मैंने आपको अपने पार्टी के और अपने नेता प्रधानमंत्री जी के जो अच्छे बातें हैं सारी तो बता दी, लेकिन याद रखना, उजाले का महत्व तब समझ में आता है जब अंधकार की त्रासदी समझ में आए। पूर्णमासी तब अच्छी लगती है जब अमावस्या की रात याद हो। इसीलिए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि एक समय था जब हम कांग्रेस के नेतृत्व में जब सरकारें देखते थे, और आज जो हम तस्वीर देख रहे हैं उसमें जो अंतर है उसमें एक बात और समझ लीजिए कि ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो इंडी अलायंस है, ये अलायंस किसी बात का अलायंस नहीं है, ये दो बातों का अलायंस है। एक, ये सब परिवारवादी पार्टी है, नोट कर लेना मेरी बात, मैं बार बार सबको बताता हूं। ये इनको आपसे लेना देना नहीं है, इन्होंने अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाना है। भैया, आप कहां घूम रहे हो? ये तो परिवार की पार्टियां, इनको तो अपने बच्चों को बनाना है। और दूसरा, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। एक दूसरे को बचाने के लिए कैसे आते? इनकी इंडी अलायंस की गठबंधन की रैली होती है, दो कुर्सियां खाली रखी जाती थी, उस पर लिखा होता था हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, यानी ये एब्सेंट हैं। अभी आए हैं कुछ दिन के लिए, चुनाव में फिर जाएंगे 1 तारीख को वापस। ये भ्रष्टाचारी लोग, बोलो परिवार की पार्टी, बोलो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? उमर अब्दुल्ला को बनाने के लिए लगे हैं कि नहीं लगे हैं? मुफ्ती साहब महबूबा को बनाने में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? प्रकाश सिंह बादल ने सुखबीर जी के लिए किया कि नहीं किया? चौटाला सारे परिवार के लिए लगे कि नहीं लगे? मुलायम सिंह अखिलेश को दे गए कि नहीं दे गए? अखिलेश ने डिंपल को दिया कि नहीं दिया? लालू ने राबड़ी को दिया कि नहीं दिया? राबड़ी ने तेज प्रताप को दिया कि नहीं दिया? तेजस्वी को दिया कि नहीं दिया? मीसा को दिया कि नहीं दिया? आप बताइए, ममता जी को अभिषेक ही पसंद आता है ना? आप बताइए, केसीआर को केटीआर कविता यही पसंद आते हैं ना? और शरद पवार को भी सुप्रिया सुले ही पसंद आती है, उद्धव ठाकरे को भी आदित्य ठाकरे ही पसंद में आता है। ये सब अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाने पर लगे, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब परिवार की पार्टियां हैं और ये सब भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, सब भ्रष्टाचारी पार्टियां। मैं बार बार गिनाता हूं, बोलो सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो भैया, बेल पर है कि नहीं है? राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? पी चिदंबरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदंबरम बेल पर है कि नहीं है? ये केजरीवाल बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? के कविता जेल में है कि नहीं है? ये सारे नेता या तो जेल में है या बेल पर है, ये सारे नेता, कोई इससे बचा नहीं, सब बेल और जेल। अब आप कल का नया किस्सा परसों का देख लीजिए, मुख्यमंत्री निर्भया कांड के लिए विजय चौक पर धरने पर बैठता था अरविंद केजरीवाल,
आज महिला का क्या कैसा दुर्व्यवहार होता है, कहां मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में, क्या क्या स्थिति आ गई? बोलिए, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे पाखंडी लोगों को आने देना है क्या? मित्रों, ये लोग कोई इनको आपसे लेना देना नहीं, ये सब भ्रष्टाचारी लोग और परिवारवादी लोग यही इसको चला रहे हैं। दूसरी बात, ये राहुल गांधी आजकल संविधान लेके घूमता है, मुझे मालूम नहीं कभी खोल के पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, शायद ही पढ़ाओ। अरे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिख करके गए हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, धर्म के आधार पर नहीं होता आरक्षण, और तुम्हारी सरकार आंध्र प्रदेश में 4 बार धर्म के नाम पर आरक्षण करने की कोशिश करती है, तुम्हारी सरकार कर्नाटक में पिछड़ा का आरक्षण लेकर के माइनॉरिटी को देने की कोशिश करती है, मुस्लिम भाइयों को देने की कोशिश करती है, संविधान में लिखा हुआ है। बोलिए, ऐसे लोगों को जो पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालते हों, दलितों के आरक्षण पर डाका डालते हों, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आगे आने दोगे क्या? अगर नहीं आने दोगे तो एक ही रास्ता है, गांव गांव में, घर घर में मेरा संदेश पहुंचाइए, मोदी जी की राम राम पहुंचाइए, राजीव भारद्वाज जी को चुनाव जिताइए, कांगड़ा को आगे ले जाइए और विकसित भारत में अपना योगदान कीजिए, यही आपसे मैं निवेदन करने आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात को मानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नड्डा जी, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक यहाँ पर आए हुए भाई और बहनों को अपना संदेश दिया। हम पूरी तरह विश्वास दिलाते हैं कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र इस बार एक नया इतिहास रचेगा। बोला भारत माता की, बोला भारत।